हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदय पूर्वक स्वागत है। और ये मॉर्निंग वॉक से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो आज मॉर्निंग वॉक डेली करती हूँ, लेकिन आज शूट की हूँ मॉर्निंग वॉक का थोड़ा सा वीडियो आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हम क्या क्या करते हैं। तो डेली का तो सब रूटीन नहीं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, पूरा दिन का। तो एक एक दिन करके एक एक जो भी काम करती हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेश हो करके फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वही थोड़ा सा आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, बस घर के बाजू में ही इर्द गिर्द बोले तो दोनों तरफ से क्वार्टर के जो कॉलोनी है वो वहीं पर 10-15 घर है। तो वहीं आगे से पीछे, पीछे से आगे, पूरा जो बोलते हैं क्या, ये घूम घूम करके पूरा गोल गोल उसी तरफ से 2-3 चक्कर मार लेते हैं तो हो जाता है। बस उसके बाद तो काम पूरा दिन का हो जाता है शुरू, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि फिर ज़्यादा धूप होगा तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक मेरा ख़त्म हो चुका है, ये देखिए। और घर का पूरा काम जो है वो मैं शूट नहीं की हूँ। उसके बाद आने के बाद पानी उनी पिए थे, उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू पानी बाहर अंदर, और उसके बाद क्या बोलते हैं जो मेरा किचन गार्डन है और उसमें पानी डाले और फूल वगैरह जो भी था मेरे पास। आपको आपके से आपके साथ जो शेयर करते हैं आपको मालूम होगा कि मेरा फूल का झाड़ है, तो उसमें पानी डाले। और उसके बाद ये देखिए, सब लोग नहा धो करके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ये मंदिर का डेकोरेशन कर रही है, मेरा पूजा पाठ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि फूल वगैरह पूरा चढ़ा के है, तो मेरा सब कुछ हो गया है। थोड़ा लेट से ये नहाई है, हम लोग नहा चुके हैं, नाश्ता की तैयारी कर रहे हैं। तब तक इधर ये मंदिर का डेकोरेशन कर रही है। तो यहाँ पर किस तरह से की है वो हम आपसे शेयर कर रहे थे कि बोलते हैं ना, संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। वो तो जीवन जब तक है तब तक संघर्ष करना ही पड़ता है। तो ये देखिए, अपना कुछ ना कुछ करते रहती है, लगी रहती है, अपना जो भी जैसा समझ में आता है वो परिश्रम करते रहती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये चुन्नी रखा हुआ था मेरा, वो होता है ना नवरात्र, उसमें कन्याकुमारी को ओढ़ा करके पूजा करवाते हैं और कन्या जो जमवाते हैं उसी में ये मिला था। तो उसी से ये डेकोरेट कर रही है। ये चुन्नी मांग रही थी, लेकिन इसको हम बताए, आइडिया दिए कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा डेकोरेट कर रही है पूरा मंदिर को। तो वही चुन्नी से ये अच्छे से, जैसे इसको आया वैसे कर रही है। तो यहाँ पर मोर वगैरह पंख जो भी था उसको साइड से लगा दी है। हम तो जैसे तैसे करके, जैसे हुआ वैसे ऊपर टंगा के थे, ये अपना तरीके से कर रही है। तो यहाँ पर साइड से दोनों तरफ से ये दोनों तरफ से मोर पंख लगाई है। और डीए बाई जो की है, डीए बाई ये का क्या बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि बोले तो ये रिद्धि सिद्धि बोलते हैं या क्या इसको बोलते हैं, वो सब भी बनाई है, की है।
स्वास्तिक वगैरह भी, ये देखिए शुभ लाभ का स्टिकर, ये स्वास्तिक का जो DIY की है उसी से, वो सब खुद से बनाई है यहाँ पर मंदिर को सजाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा तरह से कंप्लीट कर चुकी है, जैसे इसको दिमाग में आया आइडिया उस तरह से की है। और उसके बाद ये जो भी लगा हुआ था इसका लाइट मंदिर में, वो फिर से लगा चुकी है, ये देखिए। और लाइट बंद करके ये देख रही है थोड़ा देर के लिए कि कैसा लग रहा है। तो सब कुछ मतलब कंप्लीट कर चुकी है, तब जैसे भी आया वैसे की है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहती है। इसका ये है कि बैठे नहीं रहती है, कुछ ना कुछ देखते रहती है, करते रहती है। पहले मोबाइल में देखेगी, फिर करेगी, यूट्यूब से देख देख के ये सब करते रहती है, और फिर ये ट्राई करती रहती है कुछ ना कुछ। अगर अच्छा हो जाए तो वीडियो बना लेती है। हम ही बोले थे कि अगर कुछ करो तो वीडियो बना लिया करो, हम अपना YouTube फैमिली से शेयर करेंगे। तो इस तरह से की है, और अच्छा खासा वॉल हैंगर भी बना लेती है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा उसका डेकोरेशन हो गया, और मेरा यहाँ तैयारी चल रहा है। तब तक दाल, उड़द दाल को भिंगो के रात में रख दिए थे, और उसको पीस करके ये देखिए प्याज मिर्चा और धनिया पत्ती को काट करके डाल दिए हैं, और नमक और थोड़ा सा सोडा खाने वाला उसमें ऐड कर देंगे दिए हैं, और उसमें बाद में हम फेंटेंगे। तब तक इधर हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी पीस के लिए हैं वही फली और चना दाल की। तो यहाँ पर चना दाल और फली का चटनी पीस करके तैयार कर लिए हैं। लहसुन वगैरह उसी में हम डाल दिए हैं और भून करके पीस लिए हैं। और तड़का लगाने के लिए वही हम राई और जीरे और मिर्ची को करकने के लिए तेल में डाल दिए हैं, और कढ़ी पत्ता यहाँ का साउथ इंडियन जो बोलते हैं यहाँ का फेमस है ये चटनी, और भंडा बड़ा, इडली, डोसा, ये सब जो है यहाँ का ब्रेकफास्ट जो है वो फेमस है। तो यहाँ पर जब रहते हैं तो सारे बच्चे का फरमाइश तो यही रहता है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम ये बड़ा बना रहे हैं। ऐसे तो गर्मी में तेल कम ही यूज कर रहे हैं, फिर भी जो बोलते हैं ना महीने में एक आध बार, तो वही हो रहा है एक आध बार। तो आज हम इसको बनाएंगे, तो फिर महीने दिन तक तेल का जल्दी यूज नहीं करेंगे, देखते हैं। लेकिन इडली और डोसा तो बराबर हम नाश्ते में वो ब्रेकफास्ट में बना ही देते हैं, क्योंकि घर में है बच्चे लोग तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो स्कूल जाते समय बच्चे को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करना रहता है तो टाइम ही नहीं मिलता है ये सब का। सीधा रोटी और सब्जी डाल दीजिए और स्कूल का टाइम हो जाता है, तो इस कारण से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पूरा दाल का जो भी बेटर पीसे थे उसको फेंट करके लिए हैं, और यहाँ पर गोल गोल घुमा करके बस उंगली डाले तो उसका शेप आ जाता है बड़े का। तो यहाँ पर इस तरह से साउथ इंडियन फूड जो बोलते हैं यहाँ का फेमस है, फेमस बड़ा बना रहे हैं। तो उस तरीके तो नहीं बनता है, लेकिन अच्छा खासा खाने लायक बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बैटर जो है ढीला पड़ गया है, तो इस कारण से थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से फिर भी गोल गोल घुमा करके अपना हिसाब से बना लेते हैं। तो यहाँ पर बन करके ये देखिए चटनी हमारा हो चुका है, और यहाँ पर बड़ा भी एक बार का निकल चुका है। और इसी तरह से सारे बड़े को हम तल करके निकाल लेंगे, और खाने से पहले एक एक करके सबको दे देंगे, बोले बारी बारी से एक एक बार निकालेंगे और दे देंगे, बस हो जाएगा 5-6 कर करके नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। एक आदमी को 5-6 करके दिए तो नाश्ता फिनिश हो जाता है, उतना में तो बस दिन भर पानी पिलाते रहता है।
तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आज का ब्लॉग यहीं तक का रहेगा, अगले ब्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब। Please do it.